सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मेसी फर्गुसन के 241 DI की, जो कि काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है हमारे इंडिया में। ये 42 HP की रेंज में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है और इसका एक नया एडिशन आया है जो कि टोनर नाम से है। टोनर एडिशन इसलिए निकाला है कंपनी ने क्योंकि किसान भाइयों की तरफ से कमेंट आ रहे थे कंपनी को कि आपके ट्रैक्टरों की पुलिंग पावर कम है, तो इन्होंने ये नया एडिशन निकाला है जिसके बारे में आज हम पूरी डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा है भारत का असली साइड शिफ्ट और उसके बाद 241 DI मेसी फर्गुसन, उसके नीचे लिखा है टोनर, उसके साइड से लिखा है हाई लिफ्ट कैपेसिटी और उसकी साइड में ये फिंगर टच बटन दी हुई है जिससे आप बोनट आसानी से खोल सकते हैं। उसके बाद अगर आप मड गार्ड को देखेंगे तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल के हैं और उसके हेडलैम्प भी काफ़ी नॉर्मल और छोटे दिए गए हैं। और यही साइलेंसर की बात करें तो इसका साइलेंसर काफ़ी बड़ा है मेसी फर्गुसन की सीरीज़ में और बिल्कुल नया साइलेंसर दिया है इस ट्रैक्टर में, जो कि मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन है वो 2500 CC का 3 सिलेंडर इंजन है जो कि नॉन टर्बो है और अपनी पूरी 42 HP की पावर प्रोड्यूस करता है माइक्रो पंप के साथ। और ये सैमसंग कंपनी का इंजन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है हमारे इंडिया में। अगर इस इंजन की बात की जाए तो काफ़ी लो मेंटेनेंस है और काफ़ी अच्छी काम करता है हमारी किसानी के कामों में। अब अगर इसके सामने आप देखेंगे तो इसकी रेडिएटर की पंखी है जो कि प्लास्टिक की लगी हुई है और नीचे आप देखेंगे तो इसमें ऑयल फिल्टर दिया है और उसी के ऊपर इसमें डीजल टैंक दिया है जो कि 55 लीटर का टैंक है और आजकल इसमें ये बल्ब दिया है जिससे आप डीजल यहीं पे बंद करके चालू कर सकते हैं और इसी से लगा है एक वाटर सेपरेटर और 2 डीजल फिल्टर और वहीं से लाइन आ जाती है इंजन में जो कि डीजल सप्लाई के लिए है। अब अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसका 345 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे हाइट होने से क्या होता है कि ट्रैक्टर हमेशा खेती के कामों में काफ़ी अच्छा चलता है और इस ट्रैक्टर में जो बैटरी है वो जस्ट पीछे है हमारे इंजन के। अब अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो काफ़ी नॉर्मल है, पुराने मेसी फर्गुसन स्टाइल में नहीं है जो कि काफ़ी दिक्कत देता था और इसका जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी फ्लैट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं क्लच के बारे में। तो इसका 11 इंच का क्लच है जो कि काफ़ी अच्छा क्लच है मेसी फर्गुसन की तरफ से और ये बहुत कम खराब होता है। मतलब काफ़ी पुराने ट्रैक्टर रखे हैं जिनके 5-6 से 7 साल हो गए हैं लेकिन क्लच प्लेट आज तक नहीं बदलाई, ये काफ़ी अच्छा क्लच है। वहीं इसके ब्रेक में भी नया इंप्रूवमेंट दिया गया है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं अपन टायर की बात करें तो इसके 13-6-28 के बैक टायर है और 6-16 के फ्रंट टायर दिए गए हैं। अब अगर साइड प्रोफाइल दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो एक रिजर्वायर दिखेगा जो कि कूलेंट के लिए है ताकि आपका जो ओवरफ्लो है वो कभी ना हो और आपको पानी बार बार डालने की समस्या ना पड़े, इसमें कूलेंट डलता है। वहीं सैमसंग कंपनी के आपको इंजन पे ब्रांडिंग दिख जाएगी जो कि सैमसंग कंपनी का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें अल्टरनेटर को सेफ्टी गार्ड दिया गया है ताकि अल्टरनेटर पे पानी ना लगे और ख़राब ना हो। और उसके बाद अगर हम इसके ऑयल क्लीनर की बात करें तो इसका 3-स्टेज ऑयल बाथ टाइप का एयर क्लीनर है जो कि काफ़ी नॉर्मल है और सभी मेसी फर्गुसन में लगभग यही आता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो इसमें ओनली मैनुअल स्टेयरिंग का ऑप्शन है, कोई भी पावर स्टेयरिंग का अभी ऑप्शन नहीं आया है टोनर एडिशन में। अगर आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेक के बारे में। तो इसके ब्रेक जो है वो मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक हैं जो कि काफ़ी अच्छे ब्रेक हैं और ये फुल सील्ड आते हैं जो कि काफ़ी नई टेक्नोलॉजी दी गई है मेसी फर्गुसन की तरफ से और काफ़ी एक्यूरेट ब्रेक है। अब अगर इसके ऊपर बैठकर देखा जाए कि ट्रैक्टर कैसा दिखता है तो आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में आपको डीजल टंकी दिखेगी जो कि 55 लीटर की है। उसके बाद अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो काफ़ी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और बिल्कुल नई डिज़ाइन में है। आजकल सभी ट्रैक्टरों में लगभग ये इसी स्टाइल में दे रहे हैं मेसी फर्गुसन में। और ये कार टाइप का आपको सेंसर दिया जाएगा ताकि आप रिवर्स फॉरवर्ड लाइट जो भी आपको चलाना है वो सब कर सकें। उसके नीचे पार्किंग सेंसर दिया है और उसके नीचे आपको एक स्टॉपर दिया है जो कि काफ़ी नीचे है, उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा और उसे। अब अगर इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स है जो कि कॉन्फी मेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। पहले कांस्टेंट मेस में आते थे, आजकल कॉन्फी मेस दे रहे हैं जो कि साइड शिफ्ट में आते हैं और ये कहती है हमारा भारत का असली साइड शिफ्ट है जो कि अंदर सॉफ्ट जाती है, कोई भी पार्ट ऊपर नहीं है ऐसा कंपनी का कहना है, इसलिए हमारा ओरिजिनल साइड शिफ्ट है। और इसका टैग भी हमेशा आपको दिखेगा ट्रैक्टरों पे कि भारत का एक्चुअल साइड शिफ्ट लिखा है जो कि कॉर्डरल लॉक के साथ आता है। अब ये मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या दिया है कंपनी ने, हो सकता है अपनी ब्रांडिंग के लिए ये दिया गया हो लेकिन ऐसा लिखा हुआ है।
अब अगर बात करें इसके साइड में, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोलिक लीवर दिए गए हैं जो कि एडीडीसी टाइप के हैं। एक ड्राफ्ट कंट्रोल है और दूसरा पोजीशन कंट्रोल है। ड्राफ्ट कंट्रोल से एक हाइट आप रख सकते हो और पोजीशन कंट्रोल से आप इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अगर दूसरे साइड आप देखोगे तो पार्किंग ब्रेक दिया है जो कि कार टाइप का है, जो कि काफी अच्छा लगता है आपको। वहीं अगर उसके नीचे आप देखेंगे तो इसमें पीटीओ का ऑप्शन दिया है जो कि ऑन और ऑफ करने का है, मतलब पीटीओ को रोटेट कराने के लिए। और सामने अगर आप देखेंगे तो एक डिफरेंशियल लॉक दिया, और सामने आप देखोगे तो एक पोजीशन लॉक दिया है जिससे एक पोजीशन पे आप हाइड्रोलिक को लॉक कर सकते हैं। और कुछ इस टाइप का आपको व्यू दिखेगा सामने का इस ट्रैक्टर से। इसकी ट्रैक्टर की हाइट काफी ज्यादा है मेसी फर्गुसन सभी से, लगभग 72-50 के बराबर इसकी हाइट है। अब अगर इसके बैक साइड की बात की जाए तो हाँ, सही में इसकी हाई लिफ्ट कैपेसिटी कर दी गई है जो कि बोनेट पे लिखा है। इसकी जो लिफ्ट है वो 1700 kg की कर दी गई है, और इसके जो ब्रेक हैं वो फुल सील्ड कर दिए गए हैं। और टोनर एडिशन में अभी तक मैंने कंपनी वालों से पूछा है कि इसमें प्लेनेटरी रिडक्शन आ रहा है कि नहीं, तो कंपनी वाले भी अभी कन्फर्म नहीं है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि प्लेनेटरी रिडक्शन टोनर एडिशन में है कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो इसके बोनेट पे आपको एक टूल बॉक्स दिखेगा जो कि प्लास्टिक का है। अगर इसकी पीटीओ की बात की जाए तो आजकल इकोनॉमी पीटीओ और पावर पीटीओ के साथ इसका ऑप्शन आ रहा है, जो 1500 rpm पे आपको इकोनॉमी पीटीओ मिलेगी और उसके बाद 2300 rpm पे आपको मैक्स पावर पीटीओ मिलेगी, जो कि पूरी। अगर मेसी फर्गुसन 241 DI की पीटीओ HP की बात की जाए तो इसकी 36.8 पीटीओ की HP पावर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं से अगर इसका लुक देखेंगे आप तो कुछ इसका एक्सल जो है वो बैंड टाइप का दिखेगा, जो कि आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी किसान भाई मुझसे पूछते हैं कि इसका एक्सल कैसा है, स्ट्रेट एक्सल है या फिर बैंड एक्सल है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा बाद में आपको दिखेगा कि इसका बैंड एक्सेल है। और इसका जो पोजीशन सेंसिंग है वो सिंगल होल पे है, मतलब एक ही होल से ये सेंस करता है, इसमें ज़्यादा होल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और अगर आप देखेंगे इसके साइड में तो डबल साइड से चेन लॉकर दिया गया है, दोनों साइड से आपकी जो टॉप लिंक है उन्हें लॉक कर सकते हैं। और इसके जो ब्रेक दिए गए हैं वो फुल सील्ड मल्टी डिस्क दिए गए हैं, जो कि नए ब्रेक हैं मेसी फर्गुसन में, जो कि बिल्कुल एक्सटर्नल साइड लगते हैं। और इसमें ऑयल की जो पाइपलाइंस है वो ऊपर से आती है, और इसका बिल्कुल अलग सिस्टम दिया गया है जो कि पूरा ऑपरेट होता है ऑयल से, और जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि इसके ऊपर से ही ऑयल सर्कुलेट होके जाता है, जो कि काफ़ी लंबी लाइफ बढ़ा देता है हमारे ब्रेक की। और पीछे से अगर आप मेसी फर्गुसन 241 DI को देखेंगे तो कुछ इस स्टाइल में लुक दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका एक्सल जो है वो थोड़ा सा आपको बैंड दिख रहा होगा, यही इस ट्रैक्टर में थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे कि इसका एक्सल बैंड क्यों दिया गया है। अगर आपको किसी को समझ में आ रहा हो कि इसका बैंड एक्सल क्यों है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें ऐसा क्यों किया गया है। तो यही सब कुछ है मेसी 241 DI के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।